इस वक्त मेरे साथ कच्ची में मरकजी जमात के चेयरमैन अशरफ गणपति वाला साहब और फाइनेंस सेक्रेटरी नदीम जवेरी साहब मौजूद हैं। ये जो बात उड़ी हुई है कि कच्ची में जमात मरकजी जमात ख़त्म हो चुकी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है और हमारे जो है ये नौजवान काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं जनाब अशरफ अगरबत्ती वाले साहब से चाहूँगा कि आप अपना मौकिफ दें कि सर ये जो बात हो रही है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हमारी जमात कितना काम कर रही है, आप आवाम को बताएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आफ्ताब भाई, पहली बात तो ये है कि कच्ची में मरकजी जमात ना कभी ख़त्म हुई है ना इंशाल्लाह ख़त्म होगी इंशाल्लाह। कच्ची में मरकजी जमात 1985 से अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम जोर शोर से कर रही है और खाली ये नहीं कि वो राशन या कोई और, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एजुकेशन के हवाले से पूरा काम कर रही है। इस वक्त हम तकरीबन 400 बच्चों का एजुकेशन का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कोर्स का काम कर रहे हैं, उनकी स्कूल की फीसें दे रहे हैं, माहाना वजीफा हम दे रहे हैं। तकरीबन 300-350 अफराद को हम माहाना वजीफा दे रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 300 अफराद को हम माहाना राशन दे रहे हैं, हर महीने उनको हम राशन दे रहे हैं। रमज़ान के अलावा में अल्हम्दुलिल्लाह हम दो दफ़ा देते हैं राशन। कच्ची में मरकजी जमात की तरफ से हम दो दफ़ा राशन देते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जैसे आज अब्दुल्ला हारून साहब ने एक एक्स्ट्रा उन्होंने टाउन दिया, हमने उनका भी राशन अपनी जमात से बांट दिया। प्लस हम जो है ना अपने मरकजी जमात के अकाउंट से हर महीने राशन देते हैं। 400 बच्चों का हम एजुकेशन का दे रहे हैं। मेडिकल के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम आज नहीं एक अरसे दराज से तमाम मेडिकल की फैसिलिटीज दे रहे हैं। जो भी हमारे जो ज़रूरतमंद भाई हैं, दोस्त हैं, हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़रूरत पूरी करते हैं, चाहे वो हाउसिंग का हो, चाहे उनका मेडिकल का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे उनकी किसी भी जायज़ ज़रूरत को हम पूरा करने के लिए खड़े हैं। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अफवाहें ना उड़ाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कच्ची में जमात मरकजी जमात का अकाउंट फ़ाल है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है। और कुछ चीज़ें थी जो अकाउंट्स के हवाले से मसले थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो चुकी है। टेबल के अंदर हमारे टेबल पे, CMC के टेबल पे कच्ची में मरकजी जमात का जो अकाउंट्स है वो अप्रूव हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ऑडिट के लिए जा चुका है। इंशाल्लाह ताला 4-5 दिन 6 दिन 8 दिन में हमारे अकाउंट्स ऑडिट करके आ जाएगा। हम इंशाल्लाह ताला इसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएंगे और इलेक्शन करवाएंगे। किसी को भी कोई भी अफवाह ना उड़ाए, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बढ़कर काम हुआ है। इस टेन्योर में जो हमारा 3 साल का टेन्योर था, आज तक मरकजी जमात ने इतने मकान नहीं बांटे जो हमने अपने इस टेन्योर में 17 मकान हम बांट चुके हैं। और आज इंशाल्लाह ताला गाड़ी खाते में जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के अंदर हम ऐलान करेंगे कि हम मज़ीद 5 मकान दे रहे हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि उसकी ज़रूरत पूरी ना होगी। ज़रूरत के दिन में जो भी ज़रूरत पड़ती है हम इंशाल्लाह एक्सपोर्ट भी करते हैं। इलाके जमात हमारे साथ खड़ी हुई है, वो पूरी एक्सपोर्ट भी करते देती है और हम उसके जमात से पूरा काम करके देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।